मरे। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ है। डीएम साहब आए थे, ये सबको समझा बुझा के अपने तरफ पे धरे थे, और उधर से सीओ साहब आए और तुरंत गाड़ी देना और लाठी चार्ज करना, सबको मारना शुरू कर दिए, और उतने में पब्लिक घबरा गई, कोई ईटा पत्थर लगा चलाने। महेंद्र जी क्या हुआ था? यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एसडीएम साहब आए थे, सब तो कुछ बातचीत हो रहा था, तो सीओ साहब उधर से आए, एक लड़को पकड़ के यहाँ क्या है, सबको लगे मारने भगाने, इतने में मरने भगाने में पत्थर उधर कोई चला दिया, यही सब हुआ है। क्या है मामला? मामला था कि जोखन गुप्ता नाम के लड़का, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, उसको यहाँ एक्सीडेंट किसी ट्रक में वाले से एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने, काफ़ी गरीब व्यक्ति था, अब कैसे हुई तो देख रहे, ट्रक पकड़ा गया है और उसी के यहाँ जो रोड है इसको जाम कर दिए लोगों ने। हमारे एसओ साहब ऊपर को सूचना मिली, तत्काल पहुँचे मंगलसराय से, उन्होंने हमें भी बताया, मैं मौके पर आया। लोगों की मांग थी कि बहुत गरीब आदमी है, इसको सहायता मिलनी चाहिए। मैंने उनको आश्वस्त कर दिया कि जो नियमानुसार शासन के निर्देश में जो भी है वो कराई जाएगी। बीच में कुछ आई लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, उन्होंने उसको संभाल लिया और आपके सामने है, जाम खुल चुका है। सीओ साहब की गाड़ी टूटी है, इंस्पेक्टर के सर फटे हैं, क्या हो गया ऐसा? ग्रामीणों का कहना है कि आरोप है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया। नहीं, सीओ साहब तो यहाँ आए नहीं, आए थे और उस समय कुछ लोगों ने और कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन बहुत क्षणिक रहा, उसमें किसी ने पत्थर भी चला दिया तो किसी को चोट आई है। हमारे लाठी चार्ज हुआ था? नहीं, लाठी चार्ज नहीं हुआ था, हल्का सा आप कह रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि, लेकिन ऐसा लाठी चार्ज हुआ नहीं था। मुआवजे के लिए मैंने लिखित तो आश्वासन दे दिया है, और एक जो मुआवजे की जो करवाई है वो तत्काल, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, उनका आधार कार्ड चाहिए, वो आज हमें उपलब्ध करा देंगे। हमारे कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं तो उनको, हमें लग रहा है कि एक सप्ताह के अंदर सारे मुआवजे। कितना धनराशि मिलेगा? धनराशि जो पारिवारिक लाभ योजना में है और विधवा पेंशन में है, एक श्रम कार्ड बना है, उसमें क्या मिल सकता है उसको, अभी श्रम अधिकारी से बात होगी। अभी चूँकि बहुत गरीब आदमी है, लोगों का कहना है कि बहुत गरीब आदमी है और कुछ नहीं है, अकेले है, उसकी 3 लड़कियां हैं और कोई उसके घर में नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री सहायता राशि से जो भी होगा हम लोग रिकमेंड करेंगे कि अधिक से अधिक मिल जाए। ठीक है सर। हंगामा की खबर है, इसमें से कुछ चोट भी लगी है, एक्सीडेंट की बात, तो पूरा मामला क्या है और आप किस तरह की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं? देखिए, आज थाना मुगलसराय में सुबह कटेसर में एक ट्रक द्वारा एक व्यक्ति की एक्सीडेंट के कारण जिसमें मृत्यु हो गई, ट्रक के एक्सीडेंट से, मौके पर तत्काल जो SHO हैं पहुँचे और फिर उसके बाद SDM और CO साहब भी मौके पर पहुँचे। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा हंगामा किया जा रहा था, तो उन्होंने कुछ लोगों ने उसमें से CO साहब की गाड़ी के ऊपर एक दो जगह पे पथराव किया, पर तुरंत फोर्स मौके पे थी और जो बाकी आसपास के लोगों ने उन्हें शांत किया और बॉडी को फिलहाल मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और उचित तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और ट्रक को सीज कर लिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लोगों ने CO साहब के ऊपर की गाड़ी के ऊपर और जो SHO को इसमें थोड़ी सी चोट आई है, बाकी किसी को चोट नहीं आई है, तो SHO के ऊपर जिन्होंने पत्थर मारा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और विधिक कार्रवाई करके जो भी हमारे पास वीडियो सारे एविडेंस आ रहे हैं उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी।